वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेती बंदर 4 नंबर परिसर में रेलवे पटरी पार करने के दौरान 23 अक्टूबर की दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में सोनी स्वप्निल राउत 22 वर्षीय की लोकल ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। रेती बंदर परिसर जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का है, यहाँ पर इस परिसर से यहाँ के लोगों को मेन रोड पे जाने के लिए दरअसल रास्ता ही नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ रेती बंदर का इलाका है और दूसरी तरफ मेन रोड है और इन दोनों के बीच में रेलवे पटरी है। लोगों के आने जाने के लिए भुयारी यानी कि जमीन के नीचे से रास्ता जो रेलवे पटरी के नीचे से बनाया जाता है वो नहीं है, ना ही पैदल पुल यहाँ पर है और इन दोनों के ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को रेलवे पटरी मजबूरन पार करके जाना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों को कंधे पर सामान रखकर भी यहाँ से और छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर यहाँ से रेलवे पटरी से पार होकर मेन रोड पर आना पड़ता है। इसी तरह से सोनी स्वप्निल राउत भी यहीं से रेलवे पटरी पार कर रही थी और रेलवे पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है इस हादसे के बाद, क्योंकि आए दिन इस तरह के हादसे यहां पर होते रहते हैं। स्थानीय लोगों के जो इनके संगठन है और जो राजनीतिक यहां के लोग हैं उन लोगों ने इसके संबंध में कई बार पत्र व्यवहार भी कर चुका है कि टनल बनाने की मांग भी कर चुकी है, भुयारी यानी जमीन के अंदर से रास्ता बनाने का मांग भी किया है। काफ़ी दिनों पहले नेताओं ने यहां विजिट भी किया था मगर काम नहीं हुआ। काफ़ी लोगों ने मंत्री जितेंद्र आव्हाड से भी यहां पर टनल बनाने की मांग की और यहां टनल बनाने का काम जो है शुरू भी किया गया। टनल का जो है काफ़ी काम भी हो चुका था मगर जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार राजनीतिक पार्टियों में इसके श्रेय लेने की होड़ मच गई और काम महीनों से रुका पड़ा हुआ है। मगर सबसे अहम बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों के आपसी झमेले में श्रेय लेने के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन सी पार्टी ऐसे हादसों की जिम्मेदारी लेगी, लोगों की जो जान जा रही है आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन सी पार्टी लेगी, इसका जवाब कोई दे सकता है? आम जनता की मांग आखिर क्यों नहीं सुनी जाती है? अगर आज यहाँ पर पैदल पुल या टनल बनाया गया होता तो शायद सोनी स्वप्निल राउत जिंदा होती। बहरहाल कल दोपहर के वक्त ट्रेन की चपेट में आने की वजह से सोनी स्वप्निल राउत की हादसे में जब मौत हुई उसके बाद से ही स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है और ख़ास तौर पर नेताओं के प्रति इनमें काफ़ी गुस्सा आज देखने को मिला है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है और जो सोनी स्वप्निल है उनके परिवार के लोग ने भी क्या कहा है हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील राउत है। अच्छा, जिस महिला की डेथ हुई है यहाँ ट्रेन से वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है। हम लोग यहाँ पे पिछले 60 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों मौतें हो गई, यहाँ तक के इस पहाड़ के पीछे घोलाई नगर करके एक एरिया है, अभी अभी 95-2000 में बसा हुआ एरिया है, वहाँ पर अभी घर तक गाड़ी आती है लेकिन ये 60 साल पुराना एरिया हो के यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है कि यहाँ पर लड़कों या फिर रहवासी के लिए ट्रैक क्रॉस करने के लिए हम लोग को अगर डेड बॉडी भी लानी पड़ती है तो ट्रैक क्रॉस करके लानी पड़ती है। बच्चों को स्कूल लेके जाना पड़ता है तो भी वो भी ट्रैक क्रॉस करके लेके जाना पड़ता है। हर चीज़ हमको ट्रैक क्रॉस करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए। हम लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार नेता। अच्छा, यहाँ पर भुयारी मार्ग के लिए कुछ बैनर भी लगाए गए थे, बनाया गया, उद्घाटन नारियल भी फोड़ा गया, हाँ, लेकिन बनाया नहीं गया, उसका कुछ पाठ पुरावा नहीं किया गया। खाली यहाँ पर पिछले 60 साल से आश्वासन ही मिल रहा है। हर घर से एक एक बंदा गया है, किसी की माँ गई है, किसी की बेटी गई है, किसी का बाप गया है, हर घर से एक बंदा गया है, फिर भी यहाँ की पब्लिक अभी तक सोई हुई है और यहाँ के नेता भी
सच बोले तो सोए हुए त्याच्यामध्ये जीव जाते मुलाबी असतात हातामध्ये पिशव्या आणि इकडे बघा का तिकडे बघा त्याच्यामध्ये मरून जाते मुलांच्या बस येतात खाली आणि कवर सहन करायचं औरंगची बस शाळेमध्ये आली तर लेकरं पण किती गेले तर बस बघायची की मुलाला बघायचा काय पटवून आपला जीव सांभाळायचा की 40 वर्ष झालं तकलीफ काढायला काय करायचंय मग आल्याला नगर सेव जाताय तिकडे इकडे गोळा करायचं जमा करायचं मना म्हणायचं पटले तीन तीन मुलं शाळेला जाणारे असतात त्याची गाडी उभा राखी रोडवर कितनी बार यहाँ पर हो चुका है सर होता है 15 दिन में होता ही होता है हादसा छोटे बच्चे तो जाएंगे किसी के माँ तो जाएगी किसी का बाप तो जाएगा कुछ न कुछ चालू ही रहता है क्या आप लोग को क्या मांगनी यहाँ पर भुयारी रास्ता बनाया जाए या वो तो पूरा करके दो और ब्रिज बना के दो ब्रिज बना के दो और जो रास्ते के काम आधा है वो पूरा करके दो चालू करे ना वो तो कम से कम पूरा करके दो सब जन रुकावट ला रहे वरुण चार पांच रोड है वर्लांडून यहाँ रेती बंदर एक नंबर दो नंबर चार नंबर परिसर है लेकिन टनल जो है एक ही नंबर पे है और सभी लोग यहाँ पटरियों से पार होते हैं अब तक कई हादसे हो चुके हैं नेताओं से भी आप लोग मिल चुके हैं आखिर क्या वजह है इसी कि जो नहीं बनाया जा रहा है देखता है यहाँ पर कोई नहीं क्या कहें मतलब अभी हम लोग इधर रह रहे हैं आप जैसे अभी आए ना ऐसे बहुत बार हुआ है लेकिन किसी ने दखल नहीं ली और किसी ने किया नहीं ये काम अभी है आधा काम हुआ और साहब ने काम चालू किया है लेकिन वो भी आधा ही है पूरा नहीं हुआ अभी तक पूरा करने को बोलो बच्चा था इनका भी छोटे छोटे स्कूल में जाता है आता जाता है कोई ध्यान नहीं देता है एक साल हुआ इनका बच्चा हो जाता है रास्ता बनना चाहिए रास्ता नहीं नहीं आधा हुआ है रास्ता पूरा करके दो रास्ता जब मैं बच्चा था मेरे जब नाना इस ट्रैक पे गए तब मैं गोटियाँ खेलता था बचपन बच्चा था कुछ समझ में नहीं आता था तब से लेके आज मैं 26 साल तक का हो गया हूँ तब से सिर्फ ये की सुनाई देता है कि यहाँ पे ब्रिज होने वाला है भुयारी मार्ग आने वाला है हर कोई नेता आता है आश्वासन देके जाता है आश्वासन ही मिला है कभी कन्फर्मेशन मिला नहीं है तो इसके बारे में एक ही कहना है जब जान जाती है तब चार लोग जमा होते हैं उनके दुख में शामिल होने के लिए और सबकी एक ही आशा रहती है कि इसके बाद जान ना जाए तो हम लोग सबकी एक ही आशा है कि बाबा यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन आए कोई तो नेता आँख खोले किसी को तो रहम आए हम लोग के ऊपर और ये पटरी से हमको छुटकारा मिले तभी जाके ये जो जान लेने का सिलसिला चालू है आज मेरी 30 साल उम्र यहाँ पे 50-60 साल से रहने वाली पब्लिक है ऐसे नहीं कि ये बस्ती आज बैठी है ये बहुत साल पहले पुरानी बस्ती है लेकिन यहाँ पे आज तक के एक सुविधा नहीं मिली तो आज तक यानी जो सुविधा चाहिए थी रेती बंदर के लिए रेती बंदर के रहवासियों के लिए वो मिली नहीं है और आज मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने नगर सेवक है आमदार है खासदार है सबके माध्यम से हमको एक सब लोगों के लिए ये जो 15,000 लोग यहाँ पर रहते हैं इनसे यही विनंती करूँगा मैं सब मंत्रियों से वगैरह के ये यहाँ पर एक भुयारी मार्ग जो है उसको एकदम क्लियर करके दिया जाए और एक तो अगर हो सके तो क्रॉसिंग जो ब्रिज का इनका जो सबकी मांगनी है वो होना चाहिए कम से कम नई नई बोलेंगे तो 50-60 पुरानी बस्ती है और हाँ तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो मेन समस्या क्या है जो मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आने के लिए रास्ता नहीं है जो रास्ते पहले के थे भुयारी जो बोलते हैं ना अंदर से अंडरग्राउंड जो टनल थे वहाँ पे आने के लिए वो पूरे भूज गए वहाँ पे अभी म्यूनसिपाल्टी अंदर लाइन डाल दी हुई है वहाँ पे चार ऐसे टनल है कि जिनको अपन म्यूनसिपाल्टी अगर हो सकता है कि वो दो टनल चालू करके लोगों के लिए चालू करके दो का डाइवर्जन करके उसमें खाली पानी का लाइन आने के लिए कर सकेंगे तो ये समस्या कहाँ ना कहाँ हल हो सकती है।